हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम इस चैनल पे करंट अफेयर्स शुरू करने वाले हैं, तो देखते हैं आज द हिंदू का जो करंट अफेयर्स वहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पे हम हार्डकोर जो पॉलिटिकल न्यूज़ेस है वो डिस्कस नहीं करेंगे, जो न्यूज़ेस आपके एग्ज़ाम रिलेटेड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ जो है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो CPCB के हिसाब से जाना जाता है, वो बोर्ड ने इंडिया की जो 52 कंपनियां, उन 52 कंपनियां के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि उन लोग जो कंपनीज हैं, उन लोग कंपनीज ने जो प्लास्टिक जो वेस्ट है, जो प्लास्टिक वेस्ट के रिलेटेड उन लोगों ने कुछ भी प्लान्स वगैरह किया नहीं, और उन लोग जो बिजनेस रिलेटेड काम के वजह से जो प्लास्टिक्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए या उनका रिसाइकलिंग करने के लिए उन्होंने अभी तक कुछ भी प्लान ऐसा डिज़ाइन नहीं किया है, जिसके वजह से जो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, तो उनको फाइन भी हो सकता है। तो ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, इन्होंने ये बोला गया है कि जो प्लास्टिक वेस्ट के वजह से बहुत सारा इंडिया में नुकसान होता है, कि अगर देखा जाए तो हर साल, इनफैक्ट हर दिन लगभग 15,000 टन का जो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक 15,000 टन, ये बहुत ही एक बड़ा अमाउंट है अगर देखा जाए तो। 15,000 टन का जो वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट हर दिन इंडिया में होता है, और 70% जो वेस्ट होता है हर साल, इसका कुछ भी इलाज नहीं होता है। 70% जो प्लास्टिक्स का प्रोडक्शन होता है, ये प्लास्टिक सिर्फ वेस्ट में जाते हैं, और 40% से ज़्यादा जो प्लास्टिक है उसका रिसाइकलिंग भी नहीं होता है। ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसका स्थापना हुई थी 1974 में, और ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड एक्चुअली किसके अंदर आती है, ये यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है वो प्रकाश जावड़ेकर है, और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की हर साल की जो बजट का अमाउंट होता है वो होता है 2,675 करोड़। ये इतना ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का जो है हर साल का बजट का अमाउंट है। नेक्स्ट जो खबर है, ये DRDO के तरफ से है, तो इसमें ये बोला गया कि DRDO को जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो एक मिसाइल टेस्ट फैसिलिटी के लिए अप्रूवल मिल गया है, और ये अप्रूवल कहाँ मिल गया है, ये अप्रूवल मिला है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। तो जब अप्रूवल मिला भी है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ उन्होंने 11 कंडीशंस भी साइन किए हैं। ये साइन करने वाली जो कंडीशंस है, जैसे कि आपदा प्रबंधन के रिलेटेड, या ऑयल कंटिजेंसी मैनेजमेंट के रिलेटेड, या बहुत सारे ऐसे कुछ कंडीशंस है जिसके ऊपर ये DRDO काम करेगी। और DRDO ने यह भी प्रपोज किया है कि जो कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे उनके कुछ प्रोजेक्ट्स भी उन लोग DRDO उसके ऊपर काम करेगी। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि DRDO का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका चेयरमैन है डॉक्टर जी रेड्डी। नेक्स्ट जो खबर है, ये चंद्रयान 2 से रिलेटेड, जैसे कि आप लोग को जानते होंगे चंद्रयान 2 ये जो है 15 जुलाई को ये लॉन्च होने वाली है। तो जो चंद्रयान 1 जो थी वो 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये चंद्रयान 2 11 साल के बाद ये लॉन्च होने वाली है, और ये जो लॉन्च होगी ये कहाँ से होगी, ये श्रीहरिकोटा जो है इसरो का जो लॉन्च सेंटर वहाँ से होगी। और ये जो प्लान किया गया चंद्रयान 2, ये चंद्रयान 2 प्लान किया गया कि वो चांद का जो साउथ पोल है, लूनर साउथ पोल जिसको कहा जाता है, साउथ पोल में यहाँ पे जाके लैंड करेगी। तो यहाँ पे अभी तक कोई भी ऐसी जो रॉकेट है ये अभी तक लैंड नहीं किया गया, सिर्फ रशिया, USA और चाइना, ये तीन ही जो देश है, इन तीन देशों ने ही चांद पे अभी तक सॉफ्ट लैंडिंग की है।
अभी तक इंडिया उसके बाद चौथा कंट्री होगा विश्व का जो वहाँ पे लैंड करेगी। और जो चंद्रयान टू का जो ये सेट ये जो रॉकेट है ये इसका जो वेट है ये है 9, इसका जो वजन है इसका वजन 3840 किलोग्राम है इसका वजन। और ये वजन ये जो रॉकेट को ये लेके जाएगी GSLV-MK3, इसको आपको याद रखना है। और ये पूरी प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो खर्चा हुआ था, ये खर्चा हुआ था 978 करोड़ का, ये जो खर्चा हुआ था प्रोजेक्ट रिलेटेड। और जो चंद्रयान वन जो था वो 2008 में लॉन्च हुआ था, 1 साल के लिए ये लॉन्च हुआ था। और ये जो फेमस हुआ था बेसिकली फेमस हुआ था कि चांद में जो वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो डिस्कवरी की थी ये चंद्रयान वन ने, जो चांद में जो अगर वाटर मॉलिक्यूल हो तो वाटर मॉलिक्यूल का जो डिस्कवरी ये चंद्रयान वन ने की थी। और ये इसका लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इसका लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट जो खबर है ये एयर इंडिया के रिलेटेड है कि एयर इंडिया ने बेसिकली जो मक्का से जो लोग आते हैं वहाँ पे मक्का के कुछ एक हॉली वाटर जो है, हॉली वाटर जिसका नाम है जमजम, तो ये जमजम नाम का जो हॉली वाटर वहाँ से जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो पिलग्रिम्स हैं वहाँ पे वो कैरी करके लेके आना चाहते थे क्योंकि ये बहुत इनको जो जमजम को शुभ मानते हैं। लेकिन एयर इंडिया ने बेसिकली इन चीज़ों को बैन कर दिया था कि आप ऐसे जो है पानी लेके नहीं आ सकते, लेकिन बाद में एयर इंडिया ने माफ़ी मांगी और बोला कि ये आप लोग लेके आ सकते हैं। और क्योंकि ये जो मुस्लिम जो पिलग्रिम पैसेंजर्स है उनके लिए बहुत ही एक हॉली वाटर ये माना जाता है। और अगर देखा जाए तो 2014 से लेके 2019 तक एयर इंडिया में गवर्नमेंट ने मोर देन 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम जो एयर इंडिया ने बहुत सारे लॉस भी दिए, वो जो लॉस है वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा है। इतना लॉस जो एयर इंडिया ने गवर्नमेंट को दिया। अभी जो रिसेंटली बजट में इसका ऐलान हुआ है कि जो अक्टूबर तक इसका डेडलाइन दिया गया है कि जो ये नेशनल कैरियर है इसकी कुछ शेयर्स सेल करनी है, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉस देने के बाद इसको कैरी नहीं किया जा सकता, इसका प्रॉफिट बहुत ही कम होता है। देन नेक्स्ट जो खबर है वो मधुमक्खियों के रिलेटेड एक प्लान है जिसमें ये बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो रेलवेज है उन्होंने एक डिज़ाइन डेवलप किया, एक इनोवेटिव डिज़ाइन जो मधुमक्खियों से रिलेटेड है। इसके लिए उनको इंडियन रेलवेज के हिसाब से बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला था, बेस्ट इनोवेशन अवार्ड जिसकी धनराशि है 3 लाख रुपया। तो ये इनोवेशन क्या है, बेसिकली जो रेलवे ट्रैक्स है, रेलवे ट्रैक्स में जो हम लोग जानते हैं कि जो हाथी यहाँ से गुजरते रहते हैं, अगर कोई ट्रेन आ गई तो हाथी के ट्रेन के साथ टक्कर होने के बाद बहुत सारे हाथी मरते भी है। ट्रेन्स के तो डैमेज होते हैं वो अलग से, लेकिन बहुत सारे ऐसे हाथी मरते हैं। और बहुत सारे ऐसी जगहों पर जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल बिहार ऐसी जगहों पे हाथियों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ये जो हनी बी जो है मधुमक्खियों का जो एक पेक अगर ऐसा लगाया जाएगा जहाँ पे एक डिवाइस होगा जो मधुमक्खियों का जैसा ये साउंड करेगा, तो हाथी उन लोग को देख के उन लोगों का साउंड सुन के इसके आसपास नहीं आएंगे। तो ये जो डिज़ाइन है बहुत ही इनोवेटिव डिज़ाइन है, ये इनोवेटिव डिज़ाइन किया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज ने और इसके लिए उनको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी मिला है। और जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से रिलेटेड और एक न्यूज़ है कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से ISO सर्टिफिकेशन मिला है। वो इंडिया का पहला ट्रेन स्टेशन है जहाँ पे ISO सर्टिफिकेशन मिला है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन है वो है आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट जो खबर है वो USA और इंडिया के टैरिफ रिलेटेड इशू से रिलेटेड, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि USA ने इंडिया का जो GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस वो बेसिकली हटा दिया था। ये तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस क्या होता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़, उन लोगों ने ये बोला गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया वैसा, तो इन लोग के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स
अगर उन कंट्रीज में जाएंगे तो उन लोग के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाएंगे, तो काफ़ी आसानी से जो इंडिया के प्रोडक्ट्स वगैरह है जो वैसे कंट्रीज में बेचा जा सकता है, मतलब उन लोग को एक प्रिफरेंशियल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कुछ टाइम पहले ये जो जीएसपी का जो ये सिस्टम है ये हटा दिया गया था इंडिया के लिए, और डोनाल्ड ट्रम्प ने यही बोला कि उनकी जो पॉलिसी है अमेरिकाज फर्स्ट, तो उसके रिटालिएशन में इंडिया ने क्या किया कि ऐसे बहुत सारे जो यूएसए के प्रोडक्ट्स है, लगभग 28 जो प्रोडक्ट्स, तो आलमंड से लेके पालसेस से लेके वॉलनट से लेके जो यूएसए से इंडिया बेचने के लिए आती है, और बहुत सारे जैसे कि स्टील और एल्यूमिनियम रिलेटेड, उसमें बहुत ही हैवी टैरिफ लगा दिया है। तो इसके वजह से क्या होता है कि यूएसए के जो प्रोडक्ट्स इंडिया में आके सेल होना चाहिए उसमें उसका जो सेल प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, तो लोग क्या हो गए, लोग यूएसए के जो प्रोडक्ट्स वो इंडिया में खरीदेंगे नहीं, तो यूएसए का नुकसान होगा। तो यही बोला गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जब G20 समिट हुई थी मोदी जी के साथ इसके ऊपर बात की थी, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रम्प वही बोला कि इंडिया के जो तरीफ जो इंडिया ने यूएसए के जो चीज़ों के जो महंगाई बढ़ा दिया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है, यही उन्होंने बोला है। देन जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली फुटबॉल से रिलेटेड है। तो ये बोला है कि जो इंडिया का फुटबॉल टीम के जो कैप्टन सुनील छेत्री और जो महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ी आशालता देवी, इन दोनों खिलाड़ियों को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, जो मेल की तरफ से सुनील छेत्री और फीमेल की तरफ से आशालता देवी जो मणिपुर की खिलाड़ी है। अगर देखा जाए तो सुनील छेत्री वो एकमात्र जो एक्टिव खिलाड़ी है जिन्होंने इंटरनेशनल गेम्स में 70 से ज़्यादा गोल अभी तक डाल लिए हैं। रिसेंटली जो ताजिकिस्तान के साथ एक मैच हुआ था वहाँ पे भी उन्होंने एक गोल डाला था, भले ही इंडिया वो मैच हार गई है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद ये पहले एक्टिव खिलाड़ी, दूसरे एक्टिव खिलाड़ी है जिन्होंने 70 से ज़्यादा गोल किए हुए हैं। फुटबॉल से रिलेटेड और एक न्यूज़ है कि जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल, उनको फीफा काउंसिल में इलेक्ट किया था, तो एक इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। देन आज का जो नॉलेज फैक्ट ये बोला जाता है कि हम जो ये आसमान में देख रहे हैं ये जो क्लाउड है, तो एक जो नॉर्मल साइज का एक जो क्लाउड होता है, इसका क्लाउड का जो वजन होता है वो 80 हाथियों से ज़्यादा होता है। 80 हाथी, हमको तो लगता नहीं कि वो ये वाटर मोलिकुल्स है जो आसमान में इतना हल्का है कि तैर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए इसका जो वजन है वो 80 हाथियों से ज़्यादा या 80 हाथियों के बराबर होता है। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम लोगों को आप लोगों को ये जो हम नया वीडियोस लाएंगे तो उसको नोटिफिकेशन मिलता है, और जो ये बेल की घंटी जो है ये इसको प्रेस करिए प्लीज़। और कल फिर से मिलेंगे करंट अफेयर्स में। थैंक यू, जय हिंद।